आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा शो आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम को हमेशा की तरह रंगारंग बना रहे हैं, इसकी अहमियत इसकी अफादियत को दो चंद कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब, मिलकर इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में हकीम साहब का पुरतपा खैर मकदम तमाम नाज़रीन की तरफ से। बहुत ज़रा नवाजी। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हकीम साहब से आपको हम एक बार फिर रूबरू कराएं उनकी खूबसूरत शायरी से, आप भी लुत्फ़अंदोज़ हों, समातों में भी रस घुले और एक तरह का माहौल, एक समा बंध जाए, एक छोटे से क़स्से से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि एक सौदागर था अपने ग़ुलाम के साथ कश्ती के सफ़र पर निकला, कश्ती में सवार हुआ और कश्ती जैसे ही पानी में उतरी उसके ग़ुलाम ने, जिसको कि पानी से खौफ आता था, समंदर से खौफ आता था, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय डूबा, हाय मरा, बचाओ मुझे। तो कश्ती खरामा खरामा आगे बढ़ रही थी, लेकिन साथ साथ जो ग़ुलाम था उसका शोर और हंगामा लोगों की तबीयत को बहुत मुनग़्ज़ कर रहा था, मुकद्दर कर रहा था, लोग भी परेशान और उसका आका भी परेशान। उसी कश्ती में एक दाना, एक समझदार शख्स भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा उठाओ इस ग़ुलाम को और पानी में फेंक दो। लोगों ने यही किया कि उसे उठाए और पानी में फेंक दिया। वो जैसे ही पानी में गिरा उसने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए कि उसे तैरना तो आता नहीं था, लेकिन काफ़ी देर तक वो गोते खाता रहा, डुबकियाँ लगाता रहा। थोड़ी देर बाद दाना शख्स ने कहा अब इसे पानी से वापस निकाल लो, कश्ती में बैठा लो। लोगों ने यही किया। वो जैसे ही कश्ती में आया बिल्कुल खामोश होकर दुबक कर एक कोने में बैठ गया और बिल्कुल चुप। अब लोग हैरान कि पहले तो इतना तमाशा कर रहा था, हंगामा कर रहा था, अब ये खामोश क्यों हो गया। लोगों ने फिर उस दाना शख्स की तरफ देखा कि भाई मामला क्या है। उन्होंने कहा पहले इसे नहीं मालूम था कि कश्ती में जो आफियत है उसका मतलब क्या है। पानी में जब इसे फेंका गया और इसे पता चला कि अब डूबना किसे कहते हैं और मरना किसे कहते हैं, तो इसे समझ में आया कि जब आफियत में इंसान हो तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए, उसे वावेला मचाना नहीं चाहिए। इसीलिए अब इसे अमन सुकून या आफियत का मफहूम समझ में आ गया है और यह खामोशी से बैठ गया है। तो नाज़रीन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें साहिल का सुकून प्यारा होता है, लेकिन हम यह देखते हैं कि बड़े लोग वो होते हैं जो हवादिस के थपेड़े खाने में लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, या हालात से नबरदाजमा होने में, हालात से मुकाबला करने में सुकून और ख़ुशी महसूस करते हैं। उन्हें एक तरह की पुरख़तर ज़िंदगी अपील करती है, चैलेंजिंग लाइफ अपील करती है। और हकीम साहब ने भी एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। जब हकीम साहब आपकी ज़िंदगी के शब रोज़ पर, आपके गर्दिश लैल नहार पर नज़र डालते हैं, तो ऐसे ही महसूस होता है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो पलट कर जब अपनी ज़िंदगी को आप देखते हैं, आपको क्या महसूस होता है? वो शेर याद आता है कि ए मौजे हवादिस उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, वाह वाह, ए मौजे हवादिस उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नज़ारा करते हैं। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। वो तशना लबी जब मेरी तस्लीम करेगा, वो तशना लबी जब मेरी तस्लीम करेगा, साकी भी यकीनन मेरी ताज़ीम करेगा, साकी भी यकीनन मेरी ताज़ीम करेगा, और जब तक है मेरी सांस मेरी ज़िंदगी बाकी। ये तिब्बी शेर है तो समझ लीजिए। जब तक है मेरी सांस मेरी ज़िंदगी बाकी, जब तक भी ये दिल खून की तकसीम करेगा, बेशक क्या कहने, जब तक भी ये दिल खून की तकसीम करेगा। उम्मीद नहीं थी मुझे अनजान कोई शख्स, उम्मीद नहीं थी मुझे अनजान कोई शख्स, माहौल में दिल के मेरे तरमीम करेगा, माहौल में दिल के मेरे तरमीम करेगा, और उस लज्जत दुश्नाम से खुश रहता हूँ अब तक, उस लज्जत दुश्नाम से खुश रहता हूँ अब तक, क्या होगा अगर वो मेरी तकरीम करेगा, क्या होगा अगर वो मेरी तकरीम करेगा। और ये तर्क ताल्लुक कोई मानी नहीं है तूर, ये तर्क ताल्लुक कोई मानी नहीं है तूर, ताज़ीम जो करता है वो ताज़ीम करेगा। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। देखिए बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पर पहुँची। इस गज़ल में आपकी ज़िंदगी की एक
हल्की सी, जैसे हम कह सकते हैं कि फ्लैशबैक में आप ले गए, और वो तमाम बातें जो ज़िंदगी में गुजरती हैं हकीम साहब, उन्हें हम रकम करते रहते हैं, चाहे वो नसर में करें, चाहे वो नज़म में करें, चाहे वो गज़ल के रूप में करें। सुधा जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुधा जी, इस्तकबाल आपका। मेरी प्यारी बेटी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मसीहा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको हर खुशी वो मिले जो आप चाहते हैं। हमारे आपके सारे गम हमें मिल जाए, सारी खुशियां आपको मिल जाए, आप सदा सलामत रहे। बेटी, तुम्हारे किस्से हर रोज यूट्यूब पर बार बार सुनते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं। कब तुमसे मोहब्बत करने लगे पता ही नहीं चला, लगता है बरसों की सनाशाही है तुमसे। ज़हीन नसीब सुधा जी, ज़हीन नसीब। तभी तो खुदा ने हमें आपसे मिलवाया, थोड़ी इतनी प्यारी बेटी हमें मिल गई। तुमने आज सुबह शहद का जिक्र किया था, तुम्हारी बातों में इतना शहद घुला हुआ है, हमारी समासों में घुल जाता है। बहुत प्यारी बातें करती हो तुम भी बेटी। शुक्रिया सुधा जी, शुक्रिया। और हमारे शहनशाह जज्बात का तो कहना ही क्या है, आपके कलाम तो हर रोज नया पैगाम लेकर के आते हैं। बहुत खूब, बहुत मतलब से लेकर मकसद तक हर चीज आपकी लाजवाब होती है। हम कोशिश करते हैं आपकी कुछ एक याद करने की, लेकिन ढंग से बोल नहीं पाते हम। अगर गलती हो तो प्लीज हमें माफ कर देना। वो तशना लवी जब मेरी तस्लीम करेगा, साखी भी यकीनन मेरी ताज़ीम करेगा। जब तक है मेरी सांस मेरी जिंदगी बाकी, जब तक भी है ये दिल खून की तकसीम करेगा। उम्मीद नहीं थी मुझे अनजान कोई शख्स, माहौल में दिल के मेरे तरमीम करेगा। उस लज्जते दुश्नाम से खुश रहता हूँ अब तक, उस लज्जते दुश्नाम से खुश रहता हूँ अब तक। किया होगा अगर वो मेरी तकरीम करेगा। सारी गजल याद कर लिया आपने। ये तर्क के ताल्लुक कोई मानी नहीं है तूर, ये तर्क के ताल्लुक कोई मानी नहीं है तूर। ताजीम जो करता है वो ताजीम करेगा। वाह 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 जी, कमाल कर दिया आपने। और कोई सवाल है आपका? अर्ज किया है आपके लिए, मैं जानती हूँ तुम दयालु हो, निर्मोही नहीं। निर्मोही का मतलब पता है ना? जीना मेरा दुश्वार है तेरे बिना साखी, जीना मेरा दुश्वार है तेरे बिना साखी। दिल भर जो दिल देते हैं बहुत प्यार, दिल भर जो दिल देते हैं बहुत प्यार। वो संगे दिल नहीं होते हैं मोहब्बत के तलबदार। बहुत उम्दा सुधा जी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा जी। यकीन साहब, तशना लबी का जिक्र आता है, लज्जत दुश्नाम का जिक्र आता है। ये तशना लबी, आज मौका भी है, तशना लबी जो है या तशना कामी, ये एहसास कैसा होता है? तशना लबी एहसास नारसाई समझ लीजिए जी। आदमी कहीं पहुंचना चाहता है, वो नहीं पहुंचता। शायर को एक एहसास नारसाई होता है कि जिस तक पहुंचना चाहता है, वो अपने रब तक चाहे अपने महबूब तक पहुंचना चाहता है, तो वो पहुंच नहीं पाता। अब वो अपनी बात को जाम और प्यास प्यास और इन सब अल्फाज के जरिए कहता है। शायरी एक इनडायरेक्ट तरीका है अपनी बात कहने का, इस्तियारा एक है ये नारसाई का, तशना लबी तशना कामी। तो ये सुशील जी से बात कर रहे हैं। जी बताएं क्या सवाल है सुशील जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अरे हमारा ये है तो सवाल दो तीन। एक तो हमारे पैरों में गठिया हो गई है, पैर जो है जैसे धनुष की तरह होते हैं, वो मुड़ गए हैं जी, है ना जी। अभी अभी हमने आप यहाँ से गोंद पिया मंगाया था। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। तो हमने अभी गोंद पिया मंगाया था, हालांकि हम आयुर्वेदिक इलाज करते थे, तो ये उन्होंने बताया कि गोंद किया ठंडा होता है, ये कहीं दिक्कत ना करे आपको, क्योंकि हमारी कफवात नाड़ी है, ठंडी नाड़ी है हमारी। तो ये हमने कहा जरा हकीम इसे समझने की है हमारे क्या है क्या नहीं, हमारी गठिया की शिकायत है जी। आपने शुरू किया?
हाँ जी गोंद शुरू कर दिया हमने, गोंद 3 तारीख से शुरू किया है जी, ये 3 अक्टूबर। क्या कुछ फायदा शुरू हुआ आपको? नहीं तो हमारे घुटनों में तो मतलब दर्द नहीं है, मतलब एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब 4-10% आराम मिला है, लेकिन एक समस्या हो गई है घुटने के ऊपर जो ये ज्वाइंट है ये जान के पास, और इस समय हमारे इसमें दर्द हो गया है बहुत ज्यादा, चलने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक ठीक। अच्छा देखिए, ये ठंडा नहीं होता और गर्म भी नहीं होता, इसे हर शख्स खा सकता है, फायदा शुरू हो चुका है, और इसे रोज़ाना आधा आधा ग्राम खाते रहिए। और ये बात ख्याल रखें कि वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला टॉयलेट आप यूज़ करें, अगर आप चाहते हैं जल्दी फ़ायदा हो और मुस्तकिल फ़ायदा हो, नहीं तो जो दूसरे देसी टॉयलेट होते हैं ना उसमें उकड़ू बैठना पड़ता है, उकड़ू मत बैठा करिए, जो पंजों के बल बैठते हैं, ऐसा टॉयलेट लगवा लें और वज़न उठाना बंद कर दें, आपको फ़ायदा शुरू हो चुका है, 5-7 महीने तक लगातार इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। औरंगाबाद से नसरीन साहब, फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? अस्सलामुअलैकुम बाजी, हकीम साहब को सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा 3-4 सवाल है बाजी जी। पहला सवाल, पहला सवाल ये है कि मैं जैतून नमक भी वापरती हूँ और ये जैतून सिरका बोले थे सर जी, तो मुझे हमेशा सर्दी रहती है। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये, मेरे भाई की बेटी 6 साल की है, तो उसके चेहरे पे भी पूरे आंग में पूरे बहुत बाल है, उसको कैसे निकाले सर से पूछना है। ठीक है, तीसरा। और तीसरा सवाल, मेरा बेटा है 9 साल का, तो उसका हमेशा कहीं ये घुटना कहीं नीचे का पैर का और कमजोरी, हमेशा बहुत परेशान रहता है मेरा छोटा बेटा 9 साल का है जी। उसे दर्द की शिकायत है? हाँ, कभी ऊपर का घुटना दुखता है तो कहीं पैर नीचे। ठीक, 9 साल का है, 9 साल का। ठीक है, चौथा सवाल। चौथा सवाल ये है सर, का बोलिए दुआ करने के लिए हमारे लिए। जरूर इंशाल्लाह जी। यकीन सर, देखिए जिसके बाल हैं बच्ची के जिस्म पर, तो एक पुराना तरीका है कि जो आटा गूंथते हैं ना आप, वो थोड़ा सा बचा लीजिए, रोटी जो बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, और वो बचा हुआ आटा, गूंधा हुआ आटा देसी घी में ऐसे मिलाएं, उसमें गूंध लेते हैं, लोई बन जाती है, इतनी बड़ी एक वो हो जाता है पेड़ा आटे का, उसे देसी घी में खूब मिला के और उसके पूरे जिस्म पर ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ पर रब करते हैं बाकायदा, तो वो बाल इससे ख़त्म होने लगते हैं, धीरे धीरे करें तो बहुत आसानी से उसके बाल जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर लोई करें, उसको घुमाएं खूब, जैसे हम रब करते हैं हाथ में लेके ऐसे ऐसे सब जगह करें तो बाल सब उसमें आ जाते हैं, रोजाना कर दिया करें या 2-4 दिन बाद कर दिया करें तो बहुत जल्दी उसके बाल काबू में आ सकते हैं। 9 साल के बच्चे को एक खुराक गौंसिया दें रोज़ाना, बस एक खुराक, चंद खुराकें देंगे तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। और ये सिरका जो है ये ठंडा होता है, अगर आपको इसे सर्दी होती तो इसे ना लें, बल्कि वो नमक जैतून लें और एक चुटकी खाने का सोडा के साथ 2 गिलास पानी में मिला के, तो फिर ये ठंडा नहीं होता, इसे इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, बहुत से लोग दुआओं की गुजारिश करते हैं, तो यहाँ भी इस्तदा है कि अपनी इनफरादी इबादत में या इज्तमाही रूप में जब आप दुआ करें तो इन्हें ज़रूर याद रखें। ज़रूर इंशाल्लाह। नाज़रीन, सवालात कई हैं, प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन यहाँ हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर पुरतपा खैर मकदम करना चाहेंगे हकीम सुलेमान साहब का, तमाम नाज़रीन की तरफ से बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके इस कीमती वक्त का, तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तकबाल है एक बार फिर, बहुत शुक्रिया। ज़रा नवाजी, इस्तकबाल बहन आपका, खुश आमदीद। सलाम अलैकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। और भाई साहब मैं एक बात भी बोलना चाहती हूँ, किसी ने भगवान को नहीं देखा तो मेरी तरफ से आँख को देख ले। भगवान राम, ऋषि विशिष्ट ने भगवान राम से कहा ईश्वर को देखना है तो बहुत आसान है,
जितना समय तुम्हें पलक धपकने में लगता है उतना समय में ही तुम उनके दर्शन कर सकते हो। फिर भी अनेक जन्म बीत गए और तुमने अभी तक भगवान के दर्शन नहीं किए। तो मैं तो कहती हूँ किसी को भगवान देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने भगवान के दर्शन करने हैं तो आप में देख लो और अच्छी संसारिक जीवन बिता लो अच्छे से और मेरे भाई से बहुत कुछ सीख लो। और मैं तो अपने भाई से ना बहुत कुछ सीखती हूँ और अच्छा भी लगता है और सब अच्छा भी बताते हैं और सबको बहुत फायदा भी होता है। तो और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, खूब खुश रहो, अच्छे से रहो। बहुत शुक्रिया दयावती जी, आपके प्यारे पुरखलूस पाकीज़ा जज्बात का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ देखिए, भगवान तो खैर भगवान ही है, लेकिन आपके जज्बात की कदर और आपकी कदरदानी बहुत कीमती है। और देखिए, भगवान को वही लोग पसंद हैं जो उसकी बात मानते हैं, उसमें कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, मैं जो कुछ लोग फॉलो करते हैं, फॉलो करना चाहिए भगवान को या भगवान के दूतों को, किसी हीरो हीरोइन को फॉलो नहीं करना चाहिए। इनकी ज़िंदगी कोई ऐसी नहीं होती कि इनको फॉलो किया जाए। तो भगवान को जो फॉलो करता है उसके चेहरे पर तेज आ जाता है और ईमानदारी, दयानतदारी और मोहब्बत अवाम से, ये भगवान के करीब करते हैं। और ये जो भी कोशिश करेगा उसके भगवान बहुत नज़दीक होता है। वाकई हकीम साहब, आप इधर से लिखे जाने के लायक है आपका ये कॉल। नसरीन साहब से बात कर लें जी। बताएं बहन, जहानाबाद से बोल रही हैं आप, फरमाइए क्या सवाल है। हकीम साहब, हम मेरा उम्र 40 साल है, 40 साल है, हम 10 साल की उम्र से हमको लिपोडर्मा हुआ और मेरी मम्मी का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद हम ऐसे ही रह गया, बढ़ गया थोड़ा, उसके बाद सोराइसिस भी हमको हो गया। उसके बाद 10 साल पहले अभी हमको थायराइड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और लीवर में भी प्रॉब्लम है। मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरी माली हालत भी खराब है, घरों पर हूँ। दवा आयुर्वेद का हम लेते हैं तो हमको उल्टी होने लगता है और अंग्रेजी दवा खा रहे हैं तो खाना तो देखने का तबियत नहीं करता है। हकीम साहब, हमको ऐसा कुछ बताइए घरेलू नुस्खे में जो मेरा सोराइसिस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उसमें ख्याल नहीं चाहिए और मेरा जो दाग है वो अभी पर्दे में है, वो हमको नजर नहीं आए बाहर, मतलब बढ़े नहीं। और लीवर के लिए वही कि मतलब उससे हमको जो सब कुछ फायदा हो। ठीक है बहन, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां, आपकी आजमाइशें, आपके मसाइब को दूर करे जी। हकीम साहब, अच्छा देखिए, ये जितने भी अमराज आपने बताए हैं वो एक नुस्खा ले लीजिए, उससे ही आपके सारे अमराज में फ़ायदा मुमकिन है। सब्र करें, अल्लाह से मदद मांगें। देखिए, ये नमक जैतून एक चुटकी, खाने का सोडा एक चुटकी, 2 गिलास पानी में डाल दें और ये 2 गिलास पानी आपको धनिए के पाउडर, 1 चम्मच धनिए के पाउडर के साथ लेना है, लगातार लेते जाइए। कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत कमी आ जानी चाहिए, थायराइड में भी, और चर्बी भी कम होनी चाहिए और काफ़ी फ़ायदे आपको इससे पहुँचेंगे। रोज़ाना 1 बार या 2 बार लें जी। हकीम साहब, बड़ी अहम परेशानियों का इन्होंने जिक्र किया कि इनको सोराइसिस भी है और इनको लिकोडर्मा भी है, वो सफ़ेद दाग भी हैं जो फ़िलहाल शायद वो ऐसे पोशीदा जगहों पर हैं जो ज़ाहिर नहीं है। देखिए, सोराइसिस भी इसी नस्खे से ख़त्म होता है जी। स्किन की बहुत सारी बीमारियों में ये जो नमक जैतून है ये काम आता है। आप इसे इस्तेमाल करें और देखें क्या चेंज आते हैं। धीरे धीरे 2 महीने में आपको कुछ फ़र्क नज़र आएगा, फिर आप रबते में रहिए और नमक जैतून असली लीजिए, फ़ायदा मुमकिन है इंशाल्लाह। तेलंगाना से इशरत साहब, फरमाइए बहन क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी इशरत साहब। जी मैम, मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम वरह। हकीम साहब, ये मेरा जो जिस्म रहता ना हमेशा गर्म रहता, हालांकि बुखार नहीं रहती, इसके बावजूद भी मेरा जिस्म गर्म रहता, मतलब बुखार नहीं रहती नॉर्मली, जब हम लोग छीते ना ऐसा भी गर्म रहता, और ना मुझे पिंपल्स होते रहते हमेशा, जब कभी स्किन का ट्रीटमेंट मैं लेती तब ठीक रहता बस 1-2 महीने के लिए, उसके बाद फिर से शुरू होते पिंपल्स। आप कुछ बताएं तो बेहतर होगा जी। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, धनिया, धनिया आप समझते ही हर किचन में होता है, धनिया और सौंफ, ये दो चीज़ें पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच खाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून असली, नमक जैतून असली 2 गिलास पानी मिलाकर दिन भर में 1 बार पी लिया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। हैदराबाद से हमारी अगली कॉलर हैं आफरीन, बताएं बहन क्या सवाल है आपका। हेलो, सलामकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे 3 सवाल हैं अम्मी, क्यों हमारे हार्ट ये क्या बोलते हैं बाईपास सर्जरी हुआ है, उसके बाद उनके पूरे मतलब हाथों पैरों में ज्यादातर नील गंध आ जाता है, चोट लगने पर ज्यादा आता है, चोट नहीं भी लगे तब भी आ जाता है, और वो काफी दिन लगते हैं वो ठीक होने के लिए, और हम लोग जी आफरीन से रابطہ नहीं रहा, सिर्फ एक ही सवाल हम तक पहुंच सका हकीम साहब, जिसमें इन्होंने चोट लगने पर ब्लीडिंग का जिक्र किया ना, नीले से नीला जी निशान हो जाते हैं। दरअसल इसके बाद जो दवाइयां दी जाती हैं और मुस्तकिल चलती हैं उसके असरात से ऐसा होता है, और अल्लाह का एहसान कि उन्होंने अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, और सर्जरी से पहले अगर कांटेक्ट करते तो ये भी इससे भी बचा जा सकता था। जिन लोगों को भी हार्ट ब्लॉकेज हो, बाईपास सर्जरी की नौबत हो, तो वो लोग एक नुस्खा मैं अक्सर बताता हूँ, जैतून का सिरका या कलौंजी का सिरका लें असली, और 2 चम्मच पानी मिलाकर उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा डालकर दिन में 2 बार पिया करें खाने के बाद, और यही आप जिनको हो चुकी है सर्जरी और दोबारा नौबत ना आए और इस तरह के नीले निशान और तवानाई के लिए आपकी वालदा को ये लेना चाहिए, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। आफरीन एक बार फिर रابطے में है, आफरीन आपसे बात हो रही है हमारी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपके पहले सवाल की तो रहनुमाई हकीम साहब ने फरमा दी, मज़ीद क्या सवाल आते हैं जी। दूसरा सवाल ये है कि मेरे कल्ले थोड़ा मोटे हैं, मतलब चब्बी जैसा है, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड दिखता है, और तीसरा सवाल ये है कि हकीम साहब हम मशवरा दिए थे कि गोंद सिया और गोंद मोरिंगा और गोंद चिलगोजा लेने के लिए, तो वो तीनों गोंद एक साथ ले सकते हैं क्या, मतलब थोड़ा गैप देके लेना है, 10 मिनट या आधा घंटा, ये एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, गोंद सिया दिन में 2 मरतबा आधा आधा ग्राम लिया जाता है खाने के बाद, गोंद चिलगोजा 24 घंटे में 1 बार ले सकते हैं, किसी वक्त एक साथ ना लें, थोड़ा 1 घंटे का फ़र्क से लें, और गोंद मोरिंगा सुबह लिया जाता है, बेशतर लोग निहार मुँह लेते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, थोड़ा सा फ़र्क कर लें तो बहुत अच्छा है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ये आप 1 चुटकी खाने के सोडे के साथ लें तो ही फिर आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, आपके जो गाल हैं उनको भी थोड़ा शेप देकर अच्छा कर सकता है। नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर यकीनी तौर पर हम सब ममनून और मशकूर हैं हकीम साहब के, आपका इस्तकबाल है हकीम साहब, एक बार फिर शुक्रिया। जरा नवाजी सुल्ताना साहिबा हमारी अगली कॉलर है, फरमाइए बहन क्या सवाल है।
वालेकुम अस्सलाम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी बहन। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो बहन, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल बयान कीजिए। जी मैं आपके यहाँ का सिरका और नमक जैतून नहीं हेलो सिरका ले रही हूँ और काला गोंद और मोरिंगा गोंद भी मंगाया था, ये सब इस्तेमाल करी। देखिए सिरका लेने से मुझे थोड़ा सा ठंडा लग रहा है था, तो इसके उसमें नमक जैतून ले सकती हूँ क्या मैं? ठीक जी। हाँ अभी आपका शायद कॉल आया था और पता नहीं आपने जवाब सुना नहीं। नमक जैतून और एक चुटकी और ये सोडा खाने का एक चुटकी, दो गिलास पानी मिला के लिया करें। जिन लोगों को भी सिरका सूट ना करता हो वो ना लें, क्योंकि सर्द मिजाजों को सर्दी सी रहती है, तो आप ये लिया करें, इंशाल्लाह वही काम करेगा और आप फायदे में रहेंगे। देहरादून से कावेरी जी। कावेरी जी इस्तकबाल है आपका। खुश आमदीद, बहुत दिन बाद जुड़ी हैं कावेरी जी हमारे साथ, इस्तकबाल है आपका। जी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ योर बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू एंड हैप्पी ईद एज़ वेल। एक्चुअली मैं मॉर्निंग का टाइम मुझे सूट नहीं करता, थोड़ा शेड्यूल ज़्यादा बिजी रहता है, घर में और बाहर जाना होता है ऑफिस, तो इस वजह से मैं कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे आज बात हो पाई इतने दिनों बाद, और मैम से तो शगुप्ता मैम से आई थिंक कि फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग, और शैलजा मैम को मैं बहुत मिस करती हूँ। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि हम काफी लंबे समय से जुड़े रहे और शगुप्ता मैम की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली एंड वेरी नाइसली, शी हैंडल्स द पेशेंट टू थ्री एट अ टाइम, मीन्स सेविंग टाइम, बट दोनों ही बहुत अच्छी लगती है मुझे। शैलजा मैम भी अभी भी मिस करती हूँ, और आपको भी बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट करते हो शो को, और डॉक्टर साहब का तो बहुत तारीफ मैं कर ही चुकी हूँ, सब जानते हैं मैं क्या तारीफ करूंगी, मैं तो किसी वो उस पे स्टैंड नहीं करती किसी और वे में खास, बट इतना जरूर कहूंगी कि जो भी आप सबको बताते हैं जिंदगियां बदल देते हैं और सबकी स्वास्थ्य ठीक हो जाते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं होता है आपके पास भी, सबको अटेंड करना होता है, बट आई विल अप्रिशिएट दिस प्रोग्राम टू द हाईएस्ट लिमिट, अटमोस्ट लिमिट, दिस इज वंडरफुल प्रोग्राम एंड सभी को इतना फायदा होता है, मैं सुनती जरूर हूँ आगे पीछे, क्योंकि मैं किसी ना किसी तरह से टाइम निकाल के शो तो सुनती हूँ प्रोग्राम, लेकिन अटेंड नहीं कर पाई, आपको कॉल नहीं कर पाई, सॉरी फॉर द डिले विशेज, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि सितारे तो टिमटिमाते रहते हैं, आते जाते रोशनी से चमकते हैं सूर्य चांद की, और हम व्यूअर्स तो सितारे हैं, लेकिन जब आप लोग हैं तो हम लोग भी हैं, बस यही है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप दोनों के साथ हैं। शुभता मैं हमको फर्स्ट टाइम विश कर रही हूँ, आई वॉन्ट हर टू टच द स्केल ग्रेटर हाइट, और डॉक्टर साहब को तो सफलताएं चूम रही हैं और चूमती रहेंगी टू द हाईएस्ट लिमिट, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पूरा परिवार फायदा उठा ही रहे हैं, वो काफी कुछ मैंने बोला है पहले भी, सो मच थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जब वकीम साहब ने कावेरी जी के बारे में जैसे चहक कर आपने बात की, उनका वेलकम किया, इस्तकबाल किया, तो मुझे महसूस हुआ था कि कोई देरी ना रहा, हमारी जो हैं ये कॉलर हैं, वाकई ये खुशनसीबी है वकीम साहब, खुशबख्ती है हमारी, एक सतरंगी धनक है हमारे व्यूवर्स की, जो उसे कौस कुज़ा की तरह चमकता तमकता और ताबनाक बनाए रखती। कावेरी जी से मैं जब भी बात करती हूँ तो मैं मंदमुग्ध हो जाता हूँ, क्योंकि इतने सटीक अल्फाज और बहुत कम वक्त में अपनी बात कह देते हैं। मैं इनकी गुफ्तगू से बहुत मुतासिर हुआ, बेशक पहले दिन से ही। कभी ये बहुत दिन तक नहीं जुड़ती तो मैं फिक्र में हो जाता हूँ कि क्या वजह है, कभी इनका कोई मैसेज या जुड़ाव नहीं होता तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, और मैंने याद ही कर रहा था, और मैं बड़ी कदर करता हूँ, काफ़ी फ़ायदे पहुंचना अलग बात है और इंसान की कदर करना बहुत अलग बात है। मैं कावेरी जी को मतलब लोग सोचते हैं कि मेरी बातचीत अच्छी है, कोई सोचता है शगुफ्ता की अच्छी है,
लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कावेरी जी की बात बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल यकीन। एक टीचर हैं ये और उत्तराखंड से हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हैं और बहुत कदरदान हैं। मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ। बिल्कुल, दिल से कदर। और एक शेर भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि आज आपसे पहली मुलाकात है तो ये कहेंगे कि अब मुलाकात हुई है तो मुलाकात रहे, ना मुलाकात थी जब तक कि मुलाकात न थी। तो आपसे मुलाकात इसी तरह होती रहे। हकीम साहब के पास तो अशार का ख़जाना है, ये तो माशाल्लाह वाकई में शहनशाह हैं, जज्बात के भी और शायरी के भी। अब्दुर्रहीम साहब अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी बताइए अब्दुर्रहीम साहब, फ़ोन लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुर्रहीम साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर के लिए टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। दरअसल दम चढ़ रहा, रोजाना दम चढ़ रहा, खांसी खांसी बहुत है, दम चढ़ रहा। ठीक है ठीक है। क्या उम्र है आपकी? हाँ साहब, आपकी उम्र क्या है अब्दुर्रहीम भाई? 48 है। 48। ठीक है। हाँ ठीक है। सपिस्तान 100 ग्राम खरीदें, उन्नाव 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम खरीद कर उन्नाव की गुठली निकाल कर फेंक दें और उसको पाउडर बना लें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं, जिसे हिंदी में पीपला मूल कहते हैं। इनको पाउडर बना के एक चम्मच सुबह खाएं, एक चम्मच शाम। गर्म पानी से लें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी अस्मा साहब हैदराबाद से। जी बहन बताएं क्या सवाल है। अस्मा साहिबा मैं सुन पा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी बहन। जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सास जो है ना आपके ये दवाएं मंगा कर खा रहे थे, एक कौन सी खा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत काफी फर्क पड़ा। जी। और ये थोड़ा शुगर के लिए इसका जैतून का सिरका पी रहे थे, तो वो थोड़ा उतना अभी कंट्रोल में नहीं है, इंसुलिन लेते वो, तो क्या करना? ये गोंद जामुन मंगा कर खा सकते क्या गोंदिया के साथ, या फिर कुछ और आप दवा कुछ बोल सकते तो बोलिए। ठीक है ठीक है। हाँ गोंद जामुन आप ले सकते हैं, एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम। और गोंदिया से फ़ायदा हो गया, बहुत अच्छा है। और देखिए गोंदिया जिसको भी असली मिल गया, यानी मैं जो भी नुस्खा बताऊं उसका असली लेना लाजिम है, उससे फ़ायदा मुमकिन है, तो पूरा कोर्स करा दिए जब तक उनको पूरी तकलीफ़ ना चली जाए। और ये अपनी दवाओं के साथ ये गोंद दीजिए और फिर वो धीरे धीरे उनकी हो सकता है इंसुलिन छूट जाए और टेबलेट पर आ जाए, लेकिन ये दवाएं चलती रहेंगी। तो दो बार ले सकते हैं गोंद जामुन, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदे में रह सकते हैं। जी अस्मा साहिबा महाराष्ट्र। इस्तकबाल बहन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब मेरा नज़ले का कोर्स पूरा हो गया था, मैं गोल मोरिंगा खा सकती हूँ? ठीक है, आपको फायदा हो गया नज़ले में? हाँ नज़ले का फायदा हो गया है। और हकीम साहब मैं ना गोल मोरिंगा ना 15 दिन से यूज कर रही हूँ। अच्छा। तो अभी फायदा है, कुछ ठीक ठीक नहीं आ रही है अभी। मैं गोल मोरिंगा भी खा रही हूँ। और हकीम साहब गोल मोरिंगा ना मैंने 1 साल पहले मंगाई थी, तो क्या वो जी वो ख़राब नहीं होता जल्दी, 2-3 साल तक ख़राब नहीं होता और आपको फ़ायदा भी शुरू हो गया और आपने इस्तेमाल की इजाज़त के बगैर तो शुरू कर दिया, अब आप पूछ रहे हैं मुझसे। बहरहाल अल्लाह आपको फ़ायदा दे, बहुत सब्र किया आपने, जल्दी फ़ायदा आपको मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, जैसे इन्होंने पूछा वाकई में इन चीज़ों की कोई एक्सपायरी डेट भी होती है या एक मखसूस मुद्दत तक या कई किसी यानी 1-2 साल तक जो है इन चीज़ों को महफूज रखा जा सकता है? देखिए जो साबुत दवाइयाँ हैं वो काफ़ी दिन तक रहती हैं और जब पिस जाने के बाद उनमें कुछ कीड़ा वगैरह पड़ जाता है, तो फिर भी 2 साल की डेट होती है, उससे ज़्यादा भी ठीक रह सकती है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर है कि जो ये प्रोडक्ट हैं उनको 2 या 3 साल की डेट डाल सकते हैं, ये नहीं डाल सकते, डेट ऑफ मैनुफेक्चरिंग डाल देते हैं कि उससे 2 साल तक या 3 साल तक ये फ़ायदेमंद रह सकती है। जी अब इन्होंने गोंद मोरिंगा का जिक्र किया, गोंद मोरिंगा
ये चेहरे के लिए, बालों के लिए, इन दोनों के लिए तो अमृत का काम करता है, इसके अलावा भी इनका कोई फायदा है? अधिक गौंद मोरिंगा, एक तो जो बच्चियां या बच्चे छोटे कद के हैं वो अंडर एज में इसको इस्तेमाल करें तो ये जिस्म की ग्रोथ करता है, फिर बालों के लिए और चेहरे की कशिश के लिए और भी बहुत सारे कामों में इसे लेते हैं। ये एक अजीब किस्म का गौंद है जो इसको लोग जानते नहीं, अक्सर नकली भी ले लेते हैं। और ये जो मरीज़ा हैं, ये दरअसल इनको ये इस्तेमाल करना था गौंद मोरिंगा, लेकिन वो इनको खांसी नज़ले की परेशानी थी तो मैंने इनको रोक दिया और मैंने कहा पहले खांसी नज़ले का इलाज करो तब खाना, तब आपको फ़ायदा होगा। तो ये हर महीने फ़ोन करती थी कि मुझे अब कर लूँ, अब कर लूँ, बहुत उतावली थी। तभी ये कह रही है कि एक साल से महफूज रखा हुआ है मैंने। तो ये एक बात और बताएं कि साहब, यहाँ एक सवाल ज़हन में और आ रहा है कि जैसे सर्दी ज़ुकाम नज़ले की शिकायत है तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो गौंद मोरिंगा का इस्तेमाल रोक करके पहले इसका इलाज कर ले और फिर ये इस्तेमाल करे। तासीर ठंडी है इसकी? हाँ, तकरीबन ठंडी है, ऐसी बहुत ठंडी नहीं लेकिन ठंडी है। इनको जल्दी थी ये इस्तेमाल करने की और इनको ज़रूरत थी वो इस्तेमाल करने की, इसलिए इनको मैंने रोक रखा था। नाज़रीन, सवालात कई हैं, प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन यहाँ हमें लेना है एक छोटा सा वक्त। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर पुरतपा खैर मकदम करना चाहेंगे हकीम सुलेमान साहब का। तमाम नाज़रीन की तरफ से बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके इस कीमती वक्त का। तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तकबाल है एक बार फिर। बहुत शुक्रिया ज़रा नवाजी। ये शादान इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं आप लोग का दवा इस्तेमाल कर रही थी, वेट थोड़ा मेरा ज़्यादा है तो उसके लिए मैं इसका सिरका इस्तेमाल करती, जीरे का सिरका, और पीसीओडी का प्रॉब्लम है मुझे तो मैं सी केयर मंगाई दवा इस्तेमाल करती थी। पीरियड तो रेगुलर रहते हैं तो वन डे ही ऐसा रहता हुआ तो, और गौंद मोरिंगा हेयरफॉल के लिए इस्तेमाल हो रहा था वो, तो ये पीसीओडी के लिए सी केयर कंटिन्यू करना या फिर कुछ और दवा बताइए। ठीक, देखिए अब ये जो सिरका है ये तो मुस्तकिल लें, और पीसीओडी के लिए आप ले सकते हैं सी के, ख़ास तौर पर उसी के लिए, और लगातार लें जब तक आपका पूरा ज़रूरत पूरी ना हो जाए, जब तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन। जी, और एक और इन्होंने गौंद मोरिंगा के बारे में दरियाफ़्त किया है कि वो कब तक लेना है? हाँ, अपनी ज़रूरत पूरी करने तक आप कोई भी दवाई ले सकते हैं, ये लंबे अरसे तक भी लिया जा सकता है, आप इसे इस्तेमाल करें। जी हकीम साहब, हार्मोन्स इनमें कभी कभी बेअतदाली पैदा हो जाती है जिससे ज़िंदगी में बेबेजाबतगी आ जाती है, अफ़ाल में, बहुत सारे मामूलात में, ज़िंदगी के निज़ाम में, तो आप अक्सर अलसी का ज़िक्र करते हैं, अलसी के अलावा क्या ऐसी कोई जड़ी बूटी या कोई चीज़ है जो ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद हो? तो पहले तो खाना पीना ठीक करना चाहिए, और जैसे इनका सवाल था कि एक दिन ही हैज आता है तो एक दिन भी काफ़ी होता है और वो पूरा हैज कहलाता है, अगर एक महीने में एक बार भी आता है तो एक कतरा भी आता है तो समझ लीजिए आप पूरी तरह ठीक हैं, उसका इलाज ना करें। मजीद ये कि खून की कमी हो तो खून की कमी को पूरा करें, और मजबूती की कमी हो तो मजबूती पूरी करें। जैसे आपने जिक्र किया वो अलसी का, अलसी में वो अज्जा हैं कि वो अगर एक चम्मच इस्तेमाल किया जाए तो इंसानों को तंदुरुस्त रख सकती है। अक्सर मैं अलसी को कहता हूँ कि एक चम्मच अलसी इस्तेमाल की, मतलब अलसी जो है वो अखरोट से भी अच्छी है, अखरोट के फवायद हैं अलसी में। और जो लोग फिश खाते हैं तो फिश जैसी चीज़ है, कुछ लोग वो गोश्तखोर नहीं होते तो जो अल्लाह ताला उसने गोश्तखोरों के लिए भी चीज़ें बनाई हैं और सब्ज़ी खोरों के लिए भी, लेकिन मैं बड़ा मुतासिर हूँ अलसी से। आपने देखा वो बेशतर अलसी लोगों को बताता हूँ और वो सस्ती चीज़ है, 70-80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो आ जाती है, और उसके खाने से वाकई इम्यूनिटी बढ़ती है।
बिल्कुल। और इसमें ओमेगा थ्री है, ओमेगा थ्री इन तीन चीज़ों में है और भी चीज़ों में है, तो ओमेगा थ्री कैंसर तक से हिफाजत करने की ताकत रखता है। और यूँ समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग में जब स्ट्रक्चर बांधा जाता है तो आज जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें पिलर काम करते हैं, सारी बिल्डिंग पिलर पर खड़ी रहती है, दीवारों की इसमें अहमियत नहीं, दीवारें हटा भी दो तो पिलर पर खड़ी रहेगी। तो जिस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मजबूत होता है वो बिल्डिंग अगर जलजले भी आ जाए तो वो बिल्डिंग सलामत रह सकती है। तो इस कदर अफादियत है इस अलसी में जो देखने में मामूली लगती है, और मैं कह देता हूँ कि अलसी इतनी खा लो, बहुत मुफीद चीज़ है। बिल्कुल यकीन साहब। फरजाना साहब से बात कर लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बहन बताइए क्या सवाल है। फरजाना साहब मैं सुन पा रही हूँ आप? फरजाना अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं यहाँ तेलंगाना से बात कर रही हूँ। खैर मकदम आपका इस्तकबाल जी, फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सबको जी। हकीम साहब और आप दोनों भी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हैं। आप बताएं कैसी हैं, क्या सवाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब की दवा ले रहे, जब से मैं गिर गई थी तो उठना भी नहीं आया, हकीम साहब की दवा से उठ गई मैं, चल रही है। हकीम साहब को लाख 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 दुआ मेरे तरफ से। मैं क्या पूछना चाह रही थी बोले तो, वो कलंजी की दवा बोले थे मेरे को, सिरका कलंजी का सिरका बोले थे डॉक्टर साहब वो हकीम साहब, तो मैं कलंजी का सिरका और जैतून का नमक और जो है कि अलवेरा का सिरका तो बच्चों को बोले थे, और मेरे को जैसे कि खाटा थोड़ा डाल के पियो बोले थे वो भी पी रही, तो अब थोड़े लोगों को ज्यादा वो जैतून का सिरका बोल रहे हकीम साहब, तो मैं वो कंफ्यूज हूँ, मैं वो जैसे कि किस और जैतून का नमक पीऊं क्या कलौंजी का पीऊं वो पूछना चाह रही थी। और एक जो है कि मैं क्या करती बोलता हूँ, हमारे का नमक थोड़ा वो पानी जरा गली जाता तो हम लोग वो फिटकरी फिरा के पीते, वो पी सकते नहीं पी सकते, थोड़े मैं हड्डियों को गला के बोल रहे हैं, तो वो सही है क्या गलत है बोल के वो पूछना चाह रही थी मैं। और एक जो है कि वो थायराइड की बुकनी बताए थे मुगन मोरिंगा और जो है कि मेथी धनिया और आंवला मिला के वो भी खा रही, अल्लाह का करम है वो गोश्त फिरी। ठीक है तो और जैसे कि ठीक है बहन, ठीक है आपकी सारी बातें हकीम साहब ने सुन ली, अब आप सुनिए क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। अल्लाह का एहसान कि आप को मेरे मशवरे ने फायदा किया, और जैतून का या कलौंजी का जो भी सिरका आपके पास असली हो, देखिए नकली बहुत आ गए, मेरा मकसद होता है असली से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और नमक जैतून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ़ायदे तो तकरीबन सभी को शुरू हो गए, आपके अजीज़ों को भी और आपको भी, लगातार इस्तेमाल करके अपने पूरे मर्ज को जड़ से ख़त्म करते हुए जब तक ले जब तक आपको मुकम्मल फ़ायदा ना हो जाए। तज़मीन है अगली कॉलर जी, बताएं बहन क्या सवाल है। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत दिनों से मैं आपके दवाएं तो इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं 2-3 साल अवल आपसे बात हुई थी उसके बाद बात ही नहीं हो पाई, हम लोग रेगुलरली आपकी मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत फायदा है, मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ और आपकी उम्र दराजी के लिए दुआ भी कर रही हूँ। मेरी सासू माँ तो आपको बहुत दुआ करती है, वो जैतून का सिरका आपका रेगुलरली खाती थी पीती है, और वो जामुन का कौन, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्र अबाउट 60 है, तबीयत खराब होने के पूरे बॉडी चेकअप करने के बाद भी आपके मेडिसिन लेने से उनका अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ऑर्गन बहुत तंदुरुस्त हैं। और एक बात, मेरे बेटे को मैंने माजूर आर्केर दिया आपके वहां से मंगा के, उसको वीजिंग होता था अराउंड बचपन से लेके अब उसकी एज 13 ईयर्स है, अब अल्हम्दुलिल्लाह वीजिंग नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा सर्दी हो रहा है,
मैं जानना चाहती हूँ कि अब क्या करना, मैं ऑलरेडी उसको 4 डब्बे खिलाती हूँ माजोरा करके, अब उसको वीजिंग नहीं हो रहा, थोड़ा वेदर की वजह से क्या पता नहीं, इस ये दो हो गया है, मेरा मेरे बेटे का हो गया, और मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरी एज 40 इयर्स है, 39 है कंप्लीट हो गया है, वो अब मुझे 1 वीक से है ना, जब भी यूरिन को जाती है तो अर्जेंट आता है, और यूरिन कंप्लीट होने पर तकलीफ होती है यूरिनेशन में, ठीक ये दो जो है सास साहिबा को मेरा सलाम अर्ज करें, दुआ के लिए कहें मेरे लिए, और अल्लाह का शुक्र कि इस उम्र में भी उनके तमाम ऑर्गन्स अच्छे हैं, और इलाज जारी रखा करें, और आप जैसी बहू उनको मिल गई हैं तो इंशाल्लाह वो कोताही नहीं कर सकती इलाज में। अच्छा, बच्चे हो या बड़े, जिनको भी नज़ले का खांसी का मर्ज है, वो अगर कभी कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, मुझे भी नज़ला खांसी, आपने देखा होगा प्रोग्राम में, मैं कभी कभी खांस लेता हूँ, ये मौसम की तब्दीली से हो जाता है, तो उसका कोई अगर ज़रूरी हो तो एलोपैथिक इलाज फौरी तौर पर ले सकते हैं, लेकिन ये 6-7 महीने तक बच्चे को खिलाएं माजून आरकेयर जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है, अभी जितना भी फ़ायदा है, कभी कभी तो सबको होता है, साल में 1-2 बार मुझे भी होता है, और आप एक वो आता है नमक जैतून, वो ले 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर रोज़ाना, और मुमकिन हो तो अलसी भून लें, हल्का सा भून के अलसी को, जिसे फ्लैक्सीड कहते हैं, अलसी को भून कर उसका 1/2 चम्मच अलसी और ये 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर आप पी लिया करें पूरे दिन में 1 बार या 2 बार, बहुत जल्दी आपकी ये पेशाब वाली परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, तेलंगाना से अगले कॉलर है हमारे साथ मोहसिन भाई, इस्तकबाल आपको, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब के लिए भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, मैं मेरे मोटापे के लिए मैं जैतून का सिरका, एलोवेरा का सिरका ले रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 116 किलो से 108 किलो तक हो गया, लेकिन उससे कम नहीं हो रहा, वहां तक ही आके रुका हुआ है, तो मैं कब तक लेना और कितने दिन तक लेना, ये एक डाउट है। और जीरे का सिरका भी ले सकता हूँ क्या? और एक नेक्स्ट ये है कि हमारे घर में पिटकरी का पानी गलीज आता है हमारे घर में, तो पिटकरी का पानी हिला के पीते, वो पीने से लोग कह रहे हैं कि हड्डी वगैरह सब गल जाते, बाल झड़ जाते, बोल के ऐसा बोल रहे, क्या वो पिटकरी का पानी पी सकते क्या? ये डाउट है। और थायराइड के लिए कुछ जी अभी अभी खातून के जवाब में हकीम साहब ने थायराइड वगैरह के बारे में तफसील से बता दिया था, मजीद कुछ दरकार है रहनुमाई? हाँ मैडम, क्योंकि हमारे पास टीवी भी नहीं है, करंट भी नहीं है, समझो टीवी में केबल भी नहीं है, करंट भी नहीं है, ठीक, तो हमको मालूम हुआ चल रहा, तो इसलिए आपको फोन करें, थोड़ा कॉल मत कट करो। बेहतर आपकी कॉल जो है वो अभी जो है वो कनेक्टेड रहेगी, आप फोन पे ही सारी बातें सुन सकते हैं। जी हकीम साहब, और देखिए फिटकरी नुकसान भी देती है, तो इससे तो अच्छा है कि आरओ लगवा लें तो वो उस पानी को साफ कर देगा, आरओ लगवा लें तो बहुत अच्छा, फिटकरी से बेहतर आरओ है, या और भी कई तरीके हैं इसके पानी साफ करने की, मशीनें भी आती हैं, वो लगा लें तो बेहतर है, फिटकरी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वाकई वो नुकसान दे सकती है हड्डियों को। और ये जीरे का सिरका आप ले सकते हैं, ये उससे भी तेज़ है वज़न कम करने में, तो जीरे का सिरका भी बेहतर है, आप ये दोनों भी ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अपनी वालदा के बारे में या अपनी किसी घर की खातून ने भी थोड़ी देर पहले यही सवाल किया था थायराइड के बारे में, तो ये सुन नहीं सके हकीम साहब, गुजारिश है कि एक बार फिर उनकी रहनुमाई कर दीजिए। हाँ, थायराइड तो देखिए कई तरह से थायराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं नुस्खे का, एक तो ये है कि धनिया 300 ग्राम और आंवला 100 ग्राम और मेथी का दाना 100 ग्राम इसका पाउडर बना लें, और ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर इसके साथ खाएं, और ये एक दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं, 1 बार रात को भी ले सकते हैं, थायराइड का अच्छा इलाज है, अगर आप
लगातार 6-7 महीने तक ले अपनी अद्वियात के साथ तो फायदा मुमकिन है। शेख पाशा साहब, आपसे हम रابطे में हैं, हमारी आवाज मिल रही है आपको? ये हमारे मेहरन भी बोल के 60 साल की उम्र है इनको जी, अभी इनको शुगर आके है, 10-20 साल हो गया शुगर आके। हाँ। दवाई मंगाए हम। हाँ। दवा का कितना फायदा हुआ है? अभी तो 10 दिन हो गया, 10 दिन हुआ, 5 दिन हुआ जी। 5 दिन में कितना फायदा हुआ होगा जी हकीम साहब? हाँ, 5 दिन में भी कुछ रिजल्ट आया होगा, आप चेक करें, पुराना जो चेकअप हो और नया चेकअप कराएंगे तो ज़रूर आपको तकलीफ मिलेगी। वो लगातार दवाई ले, हमेशा लेनी पड़ती है, ये जिनको डायबिटीज़ है उनको दवाई छोड़नी नहीं चाहिए, ना पुरानी दवा ना जो दवाई आपने मंगाई है, लगातार ले, फ़ायदा मुमकिन है। तो आज की गुफ्तगू नाज़रीन यहीं पर समेटते हैं अगली मुलाकात के वादे के साथ, लेकिन वादे से पहले हकीम साहब का शुक्रिया तो बनता है, बहुत सारा इजहार तशक्कुर, एहसास तशक्कुर के साथ साथ हकीम साहब ये एहसास भी कि आप हर रोज़ मसीहाई का जो ये का सफ़र एक सिलसिला है इसको जारी उसारी रखिए, ये ज़खीरा या आखरत भी है और लोगों के लिए फैज़ रसानी का सबब भी है। अल्लाह आपको बहुत जज़ा खैर दे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त, आदाब।